हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वाटर कलर पेंटिंग बनाने के लिए हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं। लाइनर ब्रश हैं और वॉश ब्रश हैं जो फ्लैट है बिल्कुल। सबसे पहले ये मून की शेप हमने एक मास्किंग टेप के ऊपर ड्रॉ कर ली है प्रकार की हेल्प से, जिसे हमने एक रैपर पर स्टिक कर लिया जिससे निकालने में आसानी हो। अपनी इस शीट को स्क्वायर करके मास्किंग टेप की हेल्प से चारों साइड से कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने शीट यूज़ की है, वाटर कलर शीट यूज़ की है, ब्रेस्टो ब्रांड की है, जो 25% कॉटन है। मून को सही एंगल में स्टिक करके हम बादलों की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैमल ब्रांड का आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करेंगे। ये 12 शेड हैं, लेकिन मैं इसमें 4 शेड ही यूज़ करूँगा। आइवरी ब्लैक, प्रेशियन ब्लू, ब्लू एच यू ई, चाइनीज़ वाइट। चलिए हम अप्लाई करते हैं अभी। फ्लैट ब्रश से, वॉश ब्रश से हम आइवरी ब्लैक अप्लाई करेंगे सबसे पहले। डार्क से हम लाइट की तरफ नीचे आएंगे, फिर लाइट कलर अप्लाई करेंगे। थोड़ा वाइट इसमें मिक्स कर लेंगे। क्लाउड की ड्रॉ को छोड़कर हम स्काई ब्लू कलर करेंगे। बार बार हम फ्री ब्रश चलाएंगे। अभी नीचे से लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे, बीच बीच में बार बार फ्री ब्रश चलाते रहेंगे। जो हमने मून स्टिक किया था उस पर थोड़ा लाइट साइड से लाइट कर लेते हैं, जो ब्लर लगे, थोड़ा लाइटिंग सी लगे उस पर। अब हम अपने क्लाउड्स की बारी आ गई। अब क्लाउड्स को हम रफ पेंट करते हैं पहले। फ्रेंड्स, वाटर कलर शीट जो होती है, इसमें आप बार बार वाटर से आप इसको ब्लर करें या आप वाटर से ब्लेंडिंग करें तो शीट ख़राब नहीं होती, इसमें ये बेनिफिट होता है। तो बादलों को ड्रॉ करने के लिए हम वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, कलर कम लेंगे, ब्रश को वाटर में डिप ज़्यादा करेंगे। क्लाउड्स की आउटसाइड फुल वाइट लेंगे, बीच बीच में हम ब्रश को वाटर में डिप करके फ्री ब्रश चलाते रहेंगे। बादलों में फ्रेंड्स, आप जितना समय देंगे उतने आपके रियलिस्टिक दिखेंगे। ये बहुत ही इजी पेंटिंग है, बिगनर्स इसको जरूर ट्राई करें। Thank you.
फाइनल में हम एक बार फिर और लाइंस को और लाइट कर देते हैं और बार बार इस पर दूसरे ब्रश की हेल्प से फ्री ब्रश चलाएंगे। लाइनर ब्रश से लाइन को लाइट करेंगे और फ्लैट ब्रश से इसको ब्लर कर देंगे। देखिए फ्लैट ब्लर से मैं इसको ब्लेंड करता जा रहा हूँ साथ के साथ। वाटर कलर पेंटिंग में आप क्लाउड्स बनाएंगे तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जितना टाइम देकर जितने फ्री होकर आप क्लाउड्स को बनाएंगे उतने ही आपके रियलिस्टिक दिखेंगे। चलिए हम ये स्टार्स बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। सबकी शेप एक जैसी नहीं देनी, कहीं छोटे कहीं बड़े। मेरी फ्रेंड जो मैंने मून की टेप स्टिक की थी वो मैंने हटा दी है, वो कैमरे में नहीं आ पाई। ये जेली रोल पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, इससे मैं बारीक बारीक पॉइंट लगा देता हूँ जिससे हमारा गैलेक्सी लगे। कुछ स्टारों की शेप हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं जिससे डिफरेंट लगें, सब एक जैसे नहीं लगें। फ्रेंड स्टार्स की ये लाइनें मैं चारकोल वाइट पेंसिल से ड्रॉ करना पसंद करूँगा। ये कोहिनूर ब्रांड की चारकोल वाइट पेंसिल है। आप अगर इसकी हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से ब्लर हो जाएगी, अगर वाइट वाटर कलर से करेंगे तो अच्छे ब्लर नहीं हो पाएगी। जो बड़े स्टार्स हैं उनकी लाइन हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे और जो छोटे स्टार्स हैं उनकी लाइन बहुत बारीक, जिससे ऐसा लगे वो दूर हैं और ये पास हैं। चारकोल पेंसिल से ही मैंने मून को थोड़ा साइडों से ब्लर कर लिया है। ब्लेंडिंग स्टम्प से हम इनको थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, हम अपने मून को और थोड़ा शार्प कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईद मुबारक फ्रेंड्स, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू।